हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज़ भूपेंद्र पटेल एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल एलसीएस इन हिंदी। आज मैंने एक नई सीरीज स्टार्ट की है क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने मुझे कमेंट किया था कि सर आप हायर सेमेस्टर के वीडियो बनाते हो जो कंप्यूटर सब्जेक्ट में है, तो जो सेमेस्टर फ्रॉम सेकंड टू सिक्स है जो उन सब्जेक्ट का बना सको तो अच्छा है। ये जो मैसेज मिला मुझे पर्सनल ईमेल में मिला है, और जो मैंने लास्ट 2-3 वीडियोस अपलोड किए थे रिलेटेड टू जीटीयू समर एग्जाम 2020, वी आर फेसिंग सम वेरी बैड सिचुएशन इन ड्यू टू कोविड-19। सो मैंने सोचा कि चलो बच्चों को दिक्कत आ रही है तो उनका प्रॉब्लम मैं सॉल्व कर देता हूँ थ्रू दी माय यूट्यूब चैनल। सो उन्होंने सजेस्ट किया था ऑपरेटिंग सिस्टम सब्जेक्ट के लिए, तो आज मैं एक सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ ऑपरेटिंग सिस्टम, राइट। तो उसका मेन मोटिव है कि आप कैसे उसको पास करो, राइट, बिकॉज ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ वेरी लेंथी सब्जेक्ट एंड यू हैव टू रिमेम्बर ईच एंड एवरीथिंग फ्रॉम द बिगिनिंग टू एंड, राइट। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप सबको रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर दीजिएगा। एंड वन मोर थिंग, अगर आपको कुछ समझ नहीं आता या कुछ प्रॉब्लम आती या कोई सजेशन हो इस वीडियो रिलेटेड तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिएगा, और एंड में मैं आपको मेरा पर्सनल ईमेल एड्रेस भी दूंगा, सो यू कैन कॉन्टेक्ट ऑन दैट ऑल्सो, राइट। तो चलो शुरू करते हैं आज का हमारा पहला यूनिट 1.1, व्हाट इज द ऑपरेटिंग सिस्टम। तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, एज वी नो दैट वी आर वर्किंग ऑन एनी कंप्यूटर, बट इन एवरी कंप्यूटर हैव अ मल्टीपल हार्डवेयर पार्ट्स, राइट, इन द सीपीयू और वी आवर लैपटॉप ऑल्सो। सो यहाँ पे बहुत सारे देखिए पार्ट है कि ये सपोज SMPS है, ये हमारा सीडी रोम है, मदरबोर्ड है, हार्ड ड्राइव है, फैन है, रैम, फिर ये जो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड है, हार्ड ड्राइव है ये, एज वेल एज दी सीडी रोम, राइट। और यहाँ पे माउस है, कीबोर्ड है, स्पीकर है, मॉनिटर है। तो ये जो सारी चीजें हैं चलती कैसे, राइट, दैट इज द वन बिग क्वेश्चन कि अगर हमें ये चलाना है तो हम चलाए कैसे, राइट। आप बोल रहे होंगे सर हम ड्राइवर इंस्टॉल करते हैं तो ये सारी चीज चलने लगती है, या यू आर राइट कि ड्राइवर के बिना ये चलता नहीं, लेकिन ड्राइवर क्या करता है, राइट। अभी मैं एक आपको एग्जांपल देता हूं कि सपोज आपको कोई ट्रक है उसको चला के सपोज अहमदाबाद से दिल्ली ले जानी है तो वो ऑटोमेटिकली थोड़ी जाएगी, राइट, अगर ड्राइवर बैठेगा तो भी चलेगी, राइट। बट वन मोर थिंग, उसमें इंजन तो होना चाहिए, राइट। तो सेम थिंग यहाँ पे हमारे कंप्यूटर के बारे में मैं आपको बताऊं कि जब भी हमें हार्डवेयर रन करने होते हैं, मीन्स हमें हार्डवेयर के साथ इंटरेक्शन करवाना होता है, तब हमें ऑपरेटिंग सिस्टम डालनी पड़ती है। सो एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर दैट मैनेज द कंप्यूटर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज एंड प्रोवाइड द कॉमन सर्विसेज फॉर कंप्यूटर प्रोग्राम। सो दिस इज द स्टैंडर्ड डेफिनेशन आई टुक फ्रॉम द विकिपीडिया। सो यहाँ पे आपको अच्छे से समझाऊंगा मैं कि एग्जैक्टली ऑपरेटिंग सिस्टम करता क्या है। सपोज आपने ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर दी थी, राइट, ओके, चलो ये आपने ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज 7 इंस्टॉल कर दी है। देन सेकंड थिंग कि आपको कोई ग्राफिक्स नहीं आ रहा है या आपका वॉल्यूम नहीं आ रहा है, मीन साउंड नहीं आ रहा है, और नेटवर्क अनप्लग बता रहा है, तो उसका रीजन क्या है। सो उसको रन कराने के लिए आपको उनके ड्राइवर डालने पड़ेंगे। अभी ड्राइवर डाल रहे हो वो बात सही है, लेकिन ड्राइवर क्या करेगा, जो आपके हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन है उसको सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके साथ मैप करेगा पूरा, तभी आपका जो हार्डवेयर है या स्पीकर है या आपका डिस्प्ले है तभी एक प्रॉपर फॉर्मेट में आएगा, राइट। कि सपोज हार्ड ड्राइव है, हार्ड ड्राइव निकाल देते हो तो आप ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ डालोगे, कहीं पे नहीं डालोगे। अभी एक और चीज है कि आपका जो फैन लगा होता है आपके मदरबोर्ड पे, तो वो जब भी आपका मदरबोर्ड हीट होता है, मीन्स गर्म होता है, तो वो ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाता है रन, मीन्स चालू हो जाता है फैन, तो वो कैसे होता है, उसको पता कैसे चला कि अभी मदरबोर्ड गर्म हो गया मुझे स्टार्ट होना है।
ये जो सारी चीज है, एक कोड लिखा हुआ है जो कंबाइन करके एक ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया, मीन्स एक सिस्टम सॉफ्टवेयर बनाया हुआ है जिसको इंस्टॉल किया हमने हार्ड ड्राइव में, और जो भी अलग अलग चीज है मीन्स हार्डवेयर है या अदर रिसोर्सेज है उसको मैनेज करने का काम कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। सो इसीलिए यहाँ पे स्टैंडर्ड डेफिनेशन मैंने विकिपीडिया में से ली है, वो यही है कि एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर दैट मैनेज कंप्यूटर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज एंड प्रोवाइड्स द कॉमन सर्विसेज फॉर द कंप्यूटर प्रोग्राम। मीन्स आपको कोई सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज कैसे प्रोवाइड करता है, तो वो भी एक क्वेश्चन मार्क है। सपोज आप एग्जाम फॉर्म फिलअप करने जा रहे होगे, राइट? तो जो एग्जाम फॉर्म फिलअप करते हैं उसके बाद गन करते हैं, मीन्स फॉर एग्जाम्पल आप मॉल में जाइए तो मॉल में कोई भी बारकोड लगा होता है, तो बारकोड पे से वो रीड करता है, तो डायरेक्टली उसको पता कैसे चलता है कि पर्टिकुलर ये है? तो उस जो भी बारकोड रीडर होगा उसका भी ड्राइवर इंस्टॉल होगा अब पर्टिकुलर कंप्यूटर में, और वो जो लिंक होगा वो ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू होगा, क्योंकि जब भी हम यूएसबी प्लग इंसर्ट करते हैं तो ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाता है, लाइक अवर पेन ड्राइव स्पीकर एज वेल एज माउस एंड कीबोर्ड। तो ये जो सारी होती है बेसिक कॉन्फ़िगरेशन वो ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड करता है, राइट? सो ये था हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। अब मैं बताऊंगा आपको कंप्यूटर सिस्टम का ओवरव्यू। सो मेनली टू थिंग्स होती है हमारे कंप्यूटर सिस्टम में, फर्स्ट वन इज द कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सेकंड थिंग इज द कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। सो कंप्यूटर हार्डवेयर कंसिस्ट लाइक माउस कीबोर्ड स्पीकर डिस्प्ले देन हार्ड ड्राइव फैन फ्लॉपी ड्राइव डिस्क ड्राइव एंड मैनी मोर्स वॉट एवर वी आर यूजिंग द पेन ड्राइव और द बारकोड रीडर। सो दैट आर कम्स इन अंडर द कंप्यूटर हार्डवेयर, राइट? एंड कंप्यूटर सॉफ्टवेयर मीन्स वॉट एवर वी आर इंस्टॉलिंग इन द अवर हार्ड ड्राइव, सो दैट इज द कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। मीन्स ड्राइवर्स और एनी सॉफ्टवेयर लाइक माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एज वेल एज सिस्टम सॉफ्टवेयर अवर ऑपरेटिंग सिस्टम ऑल्सो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर वन टाइप ऑफ, राइट? सो ये जो सारी चीज है ये दो टाइप में कैटेगराइज होती है। अभी यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे मैंने एक सिंपल आर्किटेक्चर दिया है और एरोस दिए हैं, वो देखिए कि जो ये सिंगल एरो है मीन्स दैट मीन्स है कि आप इंसर्ट कर सकते हो, मीन्स इनपुट डाल सकते हो फ्रॉम द कीबोर्ड और द माउस और ऑडियो, राइट? इफ सपोज आई एम राइट नाउ यूजिंग द माइक्रोफोन, सो दैट इज द इनपुट, आई गिव यू इनपुट थ्रू द माई माइक्रोफोन, राइट? सो वो जो सारा प्रोसेस होगा वो कहाँ पे होगा? कंप्यूटर, जो हमारा सीपीयू होगा कि उसका प्रोसेसर है और सीपीयू है, उसमें मेमोरी मैनेजमेंट होता है एज वेल एज दी प्रोग्राम जो प्रोसेस मैनेजमेंट होता है, ये जो सारी चीज है वो उसमें आती है। देन मेमोरी, सपोज कि मैं अभी यहाँ पे रिकॉर्ड कर रहा हूँ कोई भी वीडियो है तो वो टेम्पररी स्टोर होगा, तो वो मेमोरी में स्टोर होगा, राइट? देन लास्ट थिंग द आउटपुट डिवाइस। द आउटपुट डिवाइस इज मीन्स वॉट कि जो भी हमें लास्ट में आउटपुट देता है मीन्स कोई रिजल्ट देता है दैट मीन्स आउटपुट डिवाइस। सो सपोज उसमें क्या आ सकता है, हमारा प्रिंटर आ सकता है या हमारी जो भी लैपटॉप या कंप्यूटर स्क्रीन है दैट इज आल्सो आउटपुट डिवाइस, एंड वन मोर थिंग अवर मोबाइल डिस्प्ले आल्सो वन टाइप ऑफ द आउटपुट डिवाइस। सो ये जो सारी चीज है कि आप यहाँ से इंसर्ट नहीं कर सकते अंदर, तो इसीलिए ये राइट साइड एरो है, और यहाँ पे आप इंसर्ट कर सकते हो कंप्यूटर में कोई भी वैल्यू एंटर करते हो, राइट? तो इसमें आता है हमारा इनपुट डिवाइस, मींस जब भी आप कुछ इनपुट डालते हो तो उसके अकॉर्डिंग आपके कंप्यूटर में प्रोसेस होती है, उसकी मेमोरी रिलेटेड जो भी टास्क है वो परफॉर्म होती है। अगर आप मल्टीपल प्रोसेस रन कर रहे हो तो वन बाय वन प्रोसेस कौन सी रन होनी है वो भी आपका जो सीपीयू है मींस प्रोसेस मैनेजमेंट वो डिफाइन करता है। अगर आपकी प्रोसेस कोई अबेंडन मींस कैंसिल हो जाती है तो वो भी आपको नोटिफाई कौन करता है? आपका सीपीयू, राइट? एंड आफ्टर द कंप्लीशन द ऑल प्रोसेस दे गिव वन आउटपुट। सो कहां पे देगा वो? हमारे आउटपुट डिवाइस में। तो ये जो था बेसिकली हमारा कंप्यूटर सिस्टम ओवरव्यू, राइट? सो इसीलिए मैंने बहुत सिंपल से आपको एक फिगर दी है, और मैं चाहूंगा आपको कि आपको शॉर्ट में पता चल जाए कि एग्जैक्टली ये है क्या, राइट? क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ वेरी लेंथी सब्जेक्ट, राइट? सो आई विल ट्राई टू एलोबरेट इन वेरी इजी मैनर सो यू कैन इजीली अंडरस्टैंड, राइट? सो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज सब्सक्राइब और लाइक बटन पर क्लिक कर दीजिएगा। अगर आपको कोई क्वेरी हो तो मुझे ईमेल भी कर सकते हो, एंड आप ऑल्सो कमेंट कर सकते हो
वहां पर नीचे कमेंट बॉक्स में, एंड मेरा फेसबुक है उसको भी लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।